आपकी दृष्टि कहाँ है, आप क्या देखते हो, ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? आपका दर्शन आपके जीवन का प्रदर्शन है। जैसा दर्शन करते हो वैसे विचार बनते हैं, और जैसा विचार करते हो वैसा प्रचार होता है तुम्हारा। तुम्हारे विचारों में तुम्हारा प्रचार छिपा है। तुम्हें यश पाना है, तुम्हें दूसरों की तरह नामचीन होना है, उनके दर्शन पर काम करना शुरू करिए, उनके प्रदर्शन पर नहीं। किसी अमीर आदमी की तरह तुम्हें बड़ा अमीर होना है, उनकी अमीरी मत देखो, वो कैसे अमीर बने हैं उस बात को देखो। वो क्या करते हैं ऐसा? वो बहुत सारे लोगों को डांट रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, बस बात ये इतनी तक नहीं है, उनके पीछे उसकी बहुत मेहनत है, बड़ा परिश्रम है, बड़ा संघर्ष है उसके पीछे। हाँ, तुम दर्शन नहीं, प्रदर्शन नहीं, उनके जीवन का वास्तविक रूप देखना। तुम्हें जो भी बनना है उसकी कीमत एक ही है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। शीतलता में भी उष्णा वाली अग्नि प्रकट हो सकती है। तुम सार्थक प्रयत्न करना, असार्थक नहीं। तुम्हारा दर्शन जो तुम देखते हो, जिस प्रकार से जो भी देखते हो, तुम उल्टी सीधी वीडियोस देखते हो, तुम जाने क्या अंटसंट अपने मोबाइल में देखते रहते हो, क्या तुम देख रहे हो दिन भर, तुम्हें लगता है ये मनोरंजन का साधन है। ध्यान रखना, ये मनोरंजन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के रंजन का साधन है, उसको रंगा जा रहा है। तुम्हारा दर्शन तुम्हारे प्रदर्शन को रंग रहा है। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। पान ऐसा मत खाओ कि मुंह रंगे, पान ऐसा खाना जिससे तुम रंग जाना अंदर तक। तुम जो देख रहे हो, जो भी देखते हो, तुम मूवी देखते हो, तुम पिक्चर देखते हो, तुम नाटक देखते हो, तुम सीरियल देखते हो, तुम न्यूज देखते हो, तुम जो भी देख रहे हो, तुम प्रपंच देख रहे हो, आडंबर देख रहे हो, अपने आसपास लड़ाई झगड़ा देख रहे हो, तुम्हें वही सब समझ में आएगा, और तुम धीरे 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 सनाए सनाए वैसे ही बन जाओगे। लेबरों के साथ रहने वाला, झगड़ा फसाद देखने वाला, जो जैसा काम कर रहा होता है उसकी प्रवृत्तियों में वैसे आचरण आने लगते हैं। परफ्यूम और सेंट बेचने वाला सुगंधित हो जाता है अपने आप, गुड़ और मिठाई बेचने वाले के कपड़ों में अपने आप मक्खियां लगने लगती हैं, कोयले का काम करने वाले के कपड़े कभी भी साफ सुथरे नहीं रह सकते। प्रभाव है, जिस चीजों के प्रभाव में तुम रहते हो, जिसके आसपास रहते हो, जो भी देखते हो, सबसे पहला काम अगर तुम कोई चीज करते हो तो तुम उस चीज को देखते हो। आंखें सबसे सामने है, कान फिर भी साइड में है, आंखें सामने है, तुम जो देखते हो, जो भी तुम्हें पसंद आता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो ना, सबसे पहले तुम्हारी आंखें तुम्हें मैसेज देती कि ये सुंदर है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ, आंखें जो भी कुछ देखती हैं उसी बात को दिल से जोड़ने देती हैं, वरना जोड़ने नहीं देती। पर देखें फिर तो माने, ऐसे कैसे मान लेंगे? हाँ, ये बोलते हो ना, तुम जो भी देख रहे हो दिन भर, तुम्हारे मोबाइल में उंगली चलती रहती ना, तुम देखो, बुराई नहीं है भाई, खूब देखो, पर सोच समझ कर देखो क्या देख रहे हो। यकीन मानो, तुम जो भी देखते हो, जो भी तुम्हारे आंखों के सामने से गुजर रहा है,
तुम्हारा मन मस्तिष्क, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा सोच वैसा ऑटोमेटिकली होने लगे। तुम अपने जीवन में सुनिश्चित कर रहे हो तुम्हें सुखी और समृद्धशाली होना है, तुम्हें जीवन में सफल होना है हर चीज में, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, परिवार में, व्यापार में, संसार में, काम में, धाम में, सब चीजों में तुम्हें सफल होना है। क्यों? क्योंकि तुम शिव महापुराण सुन रहे हो पूरा दिन और कोई काम नहीं कर रहे। अगर तुम दिन भर शिव महापुराण सुन रहे हो तो तुम बाबा से खुद को जोड़ रहे हो और अपने जीवन में सुनिश्चित कर रहे हो कि तुम्हें सुख मिलना चाहिए।